हर दिल से मगर नहीं निकला, घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल का। आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। लायको मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। सतनाम चाहते हैं, उनमें एक लड़की है मन्नू, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूं। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू और वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर। तो गाइस फाइनली आ ही गया डंकी का ड्रॉप वन टीजर रिव्यू, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी, तापसी पन्नू। तो इस बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान की मूवी डंकी का टीजर फाइनली आ चुका है। और अगर इस टीजर का रिव्यू करें तो इतना बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, ये खान साहब ने अपने बर्थडे पर जो हमको गिफ्ट दिया है, सबसे पहले शुक्रिया करना चाहिएगा, क्योंकि खान साहब के बर्थडे के दिन पर आपको ऐसी खुशी मिली कि पूछो मत। और इसके अलावा क्या चाहिए हमको। तो बस ये तो SRK ने हमको डबल ट्रीट दे दिया, ऊपर से बर्थडे, ऊपर से ये गिफ्ट और टीजर, वो भी डंकी का। तो गाइस डंकी का जो टीजर है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम हो जाती है, क्योंकि फाइनली इस साल की मच अवांटेड मूवी और इस साल की सबसे बड़ी मूवी डंकी का टीजर आ गया है। और रिपोर्ट ये कह रही कि डंकी दो टीजर आएंगे, पहला टीजर जो है लगभग 1 मिनट का वो आ चुका है। पर बात करें कि टीजर कैसा है, तो टीजर देखने के बाद इतना बोल सकता हूँ कि सलार मूवी को लेकर जो लोग बोल रहे थे कि शाहरुख खान की डंकी को ख़त्म कर देगी, कलेक्शन नहीं कर पाएगी, तो इस टीजर देखने के बाद उन सब का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि टीजर इतना लाजवाब है कि क्या कहना। उसमें आपको सिर्फ एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा जो एक मूवी में होना चाहिए। और गाइस इसमें आपको प्योर डायरेक्शन, हाई लेवल का काम देखने को मिलेगा। और ये टीजर को देखने के बाद अब 100% कंफर्म हो चुका है कि तीसरे 1000 करोड़ वाली फिल्म डंकी हो जाएगी। और गाइस कंफर्म भी हो जाएगा कि सलार मूवी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। लेकिन अभी भी जो डंकी का टीजर आया है, टीजर पूरी तरह से गूज़बम दे रहा है, और टीजर देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि टीजर कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। और गाइस जो चीज़ें देखने को मिली वो अनएक्सेप्टेबल है, और ये मूवी आएगी तब पठान जवान भूल जाएंगे, और सच में ये मूवी 10 साल से ज़्यादा याद रखने वाले होंगे। और गाइस डंकी मूवी को लोग जब देखेंगे तो इतना रो लेंगे और इतना खुश हो जाएंगे कि, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमाने वाली तीसरी फिल्म बनेगी। वैसे आपको डंकी का टीजर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसे मूवी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।